हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दामिनी और आज मैं लेकर आ गई हूँ एक नया टॉपिक हमारे वेब पेजेस का थोड़ा ट्रिकी पार्ट रहता है। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक नैव बार विदाउट एनी पैडिंग और मार्जिन। तो अभी जो हम ये नैव बार क्रिएट करने वाले हैं ये फ्लैक्स बॉक्स की हेल्प से हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। सो अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक ऑलरेडी वेब पेज ओपन है। तो इसमें जो नैव बार है इसके तीन पार्ट हैं। एक तो लोगो दे रखा है, इसमें ऑलरेडी मेंशनड है। एक आपका मेन्यू वाला पार्ट रहेगा और एक जो है आपका इसमें ये देखिए एक बटन है जो मेक एन अपॉइंटमेंट करके वर्क कर रहा है। बट अभी हम लोग सिर्फ नैव बार बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। अननेसेसरली कहीं पे भी पैडिंग और मार्जिन का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे इसमें। सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैक्स बॉक्स की हेल्प से हम लोग ये नैव बार क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं हम अपने कोड पे डायरेक्टली। तो सबसे पहले जाके VS कोड में हम यहाँ से फाइल क्रिएट कर लेंगे। फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। सो अभी ऑलरेडी वैसे इंडेक्स एक गुड प्रैक्टिस रहती है बट ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट है। तो अभी मैं navbar.html जो एक्सटेंशन है इससे एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। शिफ्ट प्लस एक्सक्लामेशन मार्क आप इकट्ठे प्रेस करोगे तो बॉयलर प्लेट हमारे पास आ जाएगी। तो ये बॉयलर प्लेट हमारे पास आ गई है। सो सबसे पहले हम अपने वेब पेज का टाइटल चेंज कर लेते हैं। नैव बार अभी मैंने इसका नाम रख दिया है। तो अभी जाके लेफ्ट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर हम क्लिक करेंगे तो सीधा अपने वेब पेज पे सर्वर पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा जो है वेब पेज क्रिएट हो चुका है। तो अभी सबसे पहले अपनी नैव बार को क्रिएट करने के लिए हम लेंगे नैव टैग। तो ये हमने नैव टैग ले लिया है यहाँ पे। अभी हम देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास ओपन रेफरेंस के लिए नैव बार है वहाँ पे तीन पार्ट हैं। तो अभी हमें तीन क्लासेस यहाँ पे क्रिएट करनी है। सबसे पहले ये मेन हमारी ऑलरेडी पेरेंट हम नैव को ही मान रहे हैं जो हमारा नैव टैग है। तो यहाँ पे अभी हमें लोगो क्लास एक क्रिएट करनी है। उसके बाद सेकेंड क्लास रहने वाली है हमारी मेन्यू और थर्ड क्लास रहने वाला है इसमें हमारी बटन। तो ये एक टैग है, अभी हमने इसकी क्लास क्रिएट नहीं की है। तो अभी यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए फ़िलहाल लोगो लिख लेती हूँ। यहाँ पे मेन्यू हो गया और ये आपका बटन आ चुका है क्लिक मी। तो जाके अगर हम सर्वर पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास ऑलरेडी तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा CSS का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ स्टाइल टैग और यहाँ पर सबसे पहले नैव टैग जो है हमारा उस पर CSS अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड कलर उस पर अप्लाई करूँगी। सो बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा अभी लाइट कलर कोई भी ले लेते हैं। फिलहाल मैंने ये एक लाइट सा कलर अप्लाई कर दिया है और हाइट हम इसका ले लेते हैं अराउंड 80 पिक्सल के आसपास। तो ये 80 पिक्सल के आसपास आ चुकी है हमारे पास में हाइट। अभी आप देख सकते हो साइड से कुछ मार्जिन पैडिंग या एक्स्ट्रा ले रहा है। तो उसके लिए हमारे पास होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो ये हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई कर लिया है और जितनी भी आपके पास मार्जिन और पैडिंग एक्स्ट्रा रहेगी वो हम अभी यहाँ पे ज़ीरो करने वाले हैं। 0 पिक्सल मार्जिन और आपका पैडिंग भी हम यहाँ पे कर देते हैं 0 पिक्सल और जो आपका बॉक्स साइजिंग है इसको भी कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। तो चेक करते हैं हम, ये हमारा जो साइड से जितना भी मार्जिन पैडिंग ये उठा रहा था अभी ये कवर हो चुका है। तो अभी हम चाहते हैं ये जो आपका कॉलम में है ये आ जाए आपका रो में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, अभी यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स हम लोग यूज़ करेंगे तो डिस्प्ले हमने यूज़ करी यहाँ पे। डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते ही ये लोग ये लोगो मेन्यू और क्लिक मी तीनों चीज़ें जो हैं कॉलम टू रो हो चुकी हैं राइट। तो अभी हम चाहते हैं कि ये इक्वल स्पेस ले ले अपना, अभी बिल्कुल साथ साथ आ रही हैं जैसे, तो ये इक्वल स्पेस आ रहा है बिल्कुल। तो अभी हम अपने कोड पे जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट। जैसे ही हमने जस्टिफाई कंटेंट अप्लाई किया है इसमें, अगर मैं यहाँ से सेंटर कर दूँ तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सेंटर हो जाएंगी। लेकिन मुझे इनमें डिफरेंस भी चाहिए राइट। तो वो हम मार्जिन और पैडिंग ऐसा कुछ यूज़ करके नहीं लाने वाले। जस्टिफाई कंटेंट की तीन प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, स्पेस अराउंड, बिटवीन और इवनली। देख लेते हैं इसे क्या क्या होता है। अगर मैं बिटवीन यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके की स्पेसिंग दे रहा है, बिल्कुल कॉर्नर में फिट हो रहा है। अगर मैं इवनली यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ मिल गई है हमें जो हम
चाह रहे हैं, तो ये आ चुका है हमारे पास में। तो अभी एक बारी हम बॉर्डर अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास ये लोगो क्लास है इस पे बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं कि ये कितना विड्थ ले रहा है हमारा। तो बॉर्डर हमने इस पे लगा दिया है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अराउंड ये जो आप कोड में देख सकते हैं ये इसकी जो है मैक्स विड्थ है, क्योंकि अभी तक हमने मेंशन नहीं की है और इसने उतनी विड्थ ली है जितना इसमें कंटेंट है, राइट। तो सेम एज अगर हम मेन्यू भी चेक करें, डॉट मेन्यू, ये बॉर्डर में इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएं कि विड्थ लेकर कितना क्या चीज़ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और किस तरीके से वो हो रही है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बटन का तो ऑलरेडी हमारे पास क्लियर ही है। तो ये फाइल हमने यहाँ पे सेव कर दी है और ये हमारे पास आ गई है, राइट। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा लोगो इसको फिट कर लेंगे। उसके लिए हमने एक इमेज टैग ले लिया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो हमारा लोगो है उसकी एक बारी विड्थ सेट कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं अराउंड 10% टोटल जो हमारे पास में विड्थ है नैव की। तो यहाँ पे मैंने 10% ये मेंशन कर दिया है, अराउंड इतना हमारा लोगो स्पेस लेने वाला है। और अगर मैं मेन्यू में भी ये चीज़ कर दूँ, इसकी विड्थ मैं सेट कर दूँ अराउंड 50 पिक्सल, ये बाद में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये आ गया इतना। तो अगर हम चेक करें तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है हमारी नैब बार के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको 40% के आसपास कर देते हैं। तो ये इतना हो गया है अराउंड। अभी हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी जो है इमेज वो बिल्कुल फिट हो जाए, जो लोगो है हमारा बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है लोगो और ये सेव कर ली हमने फाइल और जाके हमने चेक कर लिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, बाहर जा रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं और अराउंड 15% के आसपास दे देते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये लोगो फिट हो चुका है। अभी नेक्स्ट है मेन्यू। अभी मैं ये चाहती हूँ कि सारा जो कंटेंट है ना ये सेंटर होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ हम मार्जिन यूज़ नहीं करने वाले हैं। जस्टिफाई कंटेंट के नीचे अलाइन आइटम एक प्रॉपर्टी रहती है, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और हमारा जितना भी कंटेंट है वो देखो सेंटर हो चुका है। और अभी तक हमने एक भी बार मार्जिन और पैडिंग यूज़ नहीं किया कहीं पे भी। तो ये हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना मेन्यू यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए यूएल ले लेंगे सबसे पहले। यूएल में एलआई क्रिएट करने वाले हैं हम, एलआई में ताकि वो क्लिकेबल हो, इसीलिए हमने एंकर टैग में मेंशन कर दी हैं चीज़ें। तो एक बार देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। होम डिपार्टमेंट ब्लॉक पेजेस डॉक्टर्स एंड कॉन्टैक्ट। तो कुल मिला के 6 चीज़ें हैं ये जो हमें अप्लाई करनी है। तो होम फिलहाल अभी मैं होम ही लिख रही हूँ, ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके की 6 चीज़ें हैं जो हमें मेंशन करनी है। तो ये हमारे पास में हो चुकी हैं। तो ये कुछ ऐसे आ गई हैं। तो सेम हमें एज इट इज़ ही इस पर भी फ्लैक्स बॉक्स अपना यूज़ करना है। तो अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका पेरेंट कौन है। अभी यूएल इसका पेरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, डॉट मेन्यू क्लास का जो यूएल है उस पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। डिस्प्ले फ्लैक्स आ गया सबसे पहले, ये आपका अलाइनमेंट चेंज हो गई। और डिफरेंस लाने के लिए सबसे पहले तो मैं यूएल का तुम्हें बॉर्डर दिखा देती हूँ कि कितना ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका विड्थ ले रहा है। तो कुछ 100% इसने विड्थ ली हुई है यहाँ पे। और जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं स्पेस बिटवीन। तो ये अगर हम जाके चेक करें तो ये कुछ इस तरीके से डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, बट हमें क्या है कि हमें इसमें भी डिफरेंस इतना ही चाहिए। अगर मैं अपनी जो कि मेन्यू वाली क्लास है उसकी विड्थ कम कर दूंगी तो क्लिक मी वाला जो बटन है आपका ये तो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ना हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब यूएल की जो हाइट है और सॉरी विड्थ है उसको कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यूएल में जाके जो इसकी विड्थ है 100% मान रही है वो यूएल को, सॉरी मेन्यू को 100% मान रही है। चाहे यहाँ पे हमने 40% मेंशन किया लेकिन ये इसके लिए 100% ही है।
तो हम चाहते हैं कि उसमें से जो ये शो करे बस अराउंड 80% तक का स्पेस ले। तो ये देखो यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, इसका बॉर्डर यहाँ पर आ गया है, तो अराउंड 85 तक हम लोग ये मेंशन कर देते हैं। और ये आपका जो है 85 आ चुका है। इसके बाद अभी क्या है, इसमें डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं कुछ, तो इन डॉट्स को निकालने के लिए नॉर्मल सी CSS रहती है हमारे पास में, मेन्यू और UL की जो LI है, यहाँ पे जो आपकी लिस्ट स्टाइल है इसको नन कर देंगे। ये जैसे ही नन होगी क्या होगा, उस चीज़ से हमारे पास में ये डॉट्स चले जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो ना यहाँ पे अंडरलाइन हो रहे हैं ये ना हो, ये सिर्फ तभी हो जब हम क्लिक करें। तो अभी क्या होगा, सेम एज क्योंकि एंकर टैग पे ये अप्लाई हुआ हुआ है, तो एंकर टैग पे हम जाएंगे डायरेक्टली और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एक टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो जैसे ही हमने इसको नन किया और जाके अपने पेज पे चेक किया तो ये भी जा चुकी है। अब इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे आप चेक करो तो ये ब्लैक ही है क्योंकि इनकी नेवबार का बैकग्राउंड वाइट है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको वाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को क्या है विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो है इसका कलर चेंज कर दिया और इसको कर दिया है हमने वाइट, तो ये हमारे पास वाइट हो चुकी है। ये आपके पास वाइट है यहाँ पे, या ब्लैक भी कर सकते हो आप, ऑलरेडी आपको विजिबल है ही है, वो ब्लू था क्योंकि वो एंकर टैग में है। तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर देते हैं तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, राइट। तो अभी आपको क्लियर है ना ये चीज़, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन है हमारा बटन का, तो अभी बटन की बटन पे हम लोग CSS यूज़ करने वाले हैं, डायरेक्टली हम टैग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास, ओहो ये तो पूरा कोड ही कॉपी हो गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में बटन है उसकी जो हाइट है वो क्या कर सकते हैं 100%। तो ये इतनी हमारे पास पूरी आ चुकी है, और अगर मैं इसकी विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँ अराउंड 8% के आसपास अगर मैं कर दूँ, तो ये कुछ इतनी हमारे पास आ रही है, बट जो हमारा बटन है उसकी विड्थ उतनी नहीं है। मेक एन अपॉइंटमेंट हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ लिख देते हैं, ये हमने रेफरेंस के लिए लिखा था सिर्फ, अभी हम लोग थोड़ा सा इसको डिज़ाइन देते जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है मेक एन अपॉइंटमेंट, और जो इसका कलर है इसको हम इंस्पेक्ट करके भी वैसे चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली इन्होंने कौन सा कलर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और ये कुछ जो कलर है यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा है, ये यहाँ पे इंस्पेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम कॉपी करके डायरेक्टली हमारे कोड में पेस्ट कर सकते हैं। तो जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है, और जो इसकी हाइट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, अराउंड 60% के आसपास है, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो ये अभी भी मेरे को थोड़ी ज़्यादा लग रही है, विड्थ हमने थोड़ी सी कम ली हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने कोड में धीरे धीरे करके खुद से चेक कर सकते हो, खाली आपको स्ट्रक्चर सही से बनाना आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टाइलिंग है, इसको तो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट हो, जैसा आपको सही लग रहा है, या जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो तो उस हिसाब से सेट हो जाएगा आपका। बट ये कि आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। तो अभी हम जो इसका कलर है उसको ओके वाइट कर देते हैं टेक्स्ट को, और जो आपका बॉर्डर है, एक्स्ट्रा बॉर्डर इसमें शो कर रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो उसको भी हम नन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर है उसको भी हमने नन कर दिया है, तो एक बारी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो बॉर्डर है ये भी चला गया है,
और मेक एन अपॉइंटमेंट का हमारे पास जो है वो बटन बन चुका है यहाँ पे क्लियरली। हमारी नैव बार भी ऑलमोस्ट रेडी है, खाली इसमें हमको कलर चेंज करना है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो मेन मोटिव था कि आपको स्ट्रक्चर किस तरीके से विदाउट मार्जिन पैडिंग के क्लियर किया जाए, तो अभी आप देख सकते हो कहीं पे भी हमने पूरे कोड में ना कहीं मार्जिन अप्लाई किया है ना कहीं पे पैडिंग अप्लाई किया है। तो सिर्फ आप ये चीज़ अपना फ्लैक्स बॉक्स से भी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी एक ऐसा करते हैं, इसमें एक बैकग्राउंड फोटो भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा अपने वेब पेज को हम थोड़ा सुंदर बना देते हैं अभी। ओहो, हमारा ये नैव टैग यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा। तो अभी क्लोज हो चुका है। यहाँ पे हम एक डिव ले लेते हैं, ये डिव क्लास ले लिया हमने, बीजी क्लास ले लेते हैं, थोड़ा रेलेवेंट लगेगा। तो ये हमने यहाँ पे बीजी क्लास ले लिया और इस पर थोड़ा सा जो है हमारा CSS अभी अप्लाई करेंगे हम लोग। एक बैकग्राउंड फोटो ले लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज ले लिया हमने यहाँ पे और ये आपका URL आ गया। कोई भी, मेरे पास 3-4 फोटोज इसमें पड़ी हुई हैं, तो मैं कोई भी फोटो एक अभी रैंडमली यहाँ से ले ली है, तो ये आ गया। और इसकी जो हाइट है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, 100 VH हम पूरे अपने वेब पेज पे उसको देखना चाहते हैं। 100 VH हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और अगर हम चेक करें इसको तो ये आ गई है। बट ये इस तरीके से आई है कि मतलब ना कोई सेंटर पॉइंट दिख रहा है और बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो उसके लिए हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है इसकी, बैकग्राउंड साइज हम चाहते हैं ये बिल्कुल कवर हो, ये हमने सेव कर लिया और ये कुछ इस तरीके से है। बट थोड़ा सा ना सेंटर पोर्शन इसका हिला हुआ है, तो बैकग्राउंड पोजीशन जो है ये हमने बिल्कुल कैसी कर ली है, सेंटर। तो ये सेंटर हो गई है, सेव कर लिया हमने और ये बिल्कुल अभी सेंटर आ चुकी है। तो नैव बार अभी हम इसकी कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट वैसे बैकग्राउंड कलर वाइट ही आ जाएगा इसमें, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो ये कुछ इस तरीके का आ गया है। और जितनी भी हमने इसमें एक्स्ट्रा बॉर्डर समझने के लिए लिया था, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। कई बार हमें जो अलाइनमेंट है वो समझ नहीं आती है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो अभी जो एक्स्ट्रा हमने अपनी समझ के लिए यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया था वो हमने निकाल दिया है। तो वेब पेज पर जाके हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके की बन रही है हमारी नैव बार। अभी ये हमारे पास यहाँ पे जो कंटेंट है लिस्ट वाला, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। आपका होम, उसके बाद यहीं से देखकर अभी हम लिख लेते हैं, होम आ गया, अबाउट आ गया, कुछ अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, सर्विसेज आ गया नॉर्मली जो रहता है, उसके बाद ब्लॉग लिख सकते हैं हम कुछ, यहाँ से अभी हम चोरी कर लेंगे, पेजेस हो गए, पेजेस आप लिख सकते हैं, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है कॉन्टैक्ट। तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पे, अब जाके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा चेंज हो चुका है। थोड़ा सा इसमें जो है फॉन्ट, हम फॉन्ट की सेटिंग स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने एंकर टैग को दे रखा है का जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ अराउंड 18 पिक्सल के आसपास दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये 14 रहता है। तो हमारा ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अभी ये देखो यहाँ पे कुछ कैपिटल और कुछ हमने स्मॉल कर दिए हैं, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ये सारा जो है इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं यहाँ पर, ये हो चुका है। तो अभी हमारे पास ये आ गया है और थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं। फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेंगे इसमें, और 400 से ऊपर जो है वो फॉन्ट वेट अपना काम करता है, तो अराउंड 600 के आसपास हमने कर दिया है। तो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की जो है नैव बार क्रिएट हो चुकी है।
तो ये बहुत ही सिंपल वे है विदाउट एनी मार्जिन पैडिंग दे के जो हम लोग क्रिएट करते हैं. फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू हम इसको क्रिएट कर सकते हैं. बहुत ईजी मेथड है. आप लोग भी इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओगे तो बहुत ईजीली बन जाएगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप कोडिंग, कीप लर्निंग.